नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे विलुप्त जानवरों के बारे में बताने वाली हूं जो कभी हमारी धरती पर राज किया करते थे और आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब ये हमारी धरती पर मौजूद नहीं है। इसलिए ऐसे जानवरों के बारे में जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर से बने रहें। नंबर 5, द लार्जेस्ट स्नेक एवर। दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसे सांप की जिसके सामने आजकल के बड़े एनाकोंडाज सांप के छोटे बच्चे लगें। दरअसल आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले असल में ऐसे सांप साउथ अमेरिका में पाए जाते थे जिनकी लंबाई लगभग 14 मीटर और वजन लगभग 2000 से 3000 किलोग्राम तक हुआ करता था। दोस्तों उत्तरी कोलंबिया में मिले इनके कंकाल के आधार पर वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये सांप आज के बोआ कंस्ट्रिक्टर और एनाकोंडा की ही तरह जहरीले नहीं होते थे और अपने शिकार को जकड़कर मारने के बाद निगल जाते थे। और साथ ही दोस्तों ये उन मगरमच्छों, घड़ियालों और समुद्री जीवों का शिकार करते थे जो इनके इलाके में रहता था। नंबर 4, जाइनॉर्मस शेल्ड स्क्विड। दोस्तों ऐसा लगता है कि आज से लगभग लाखों करोड़ों साल पहले जिन जीवों ने धरती पर राज किया वो ज्यादातर समुद्रों में ही रहते थे, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा ही लंबा और बड़ा जीव है जो आज से लगभग 45 करोड़ साल पहले बाल्टिक और साइबेरियन समुद्रों में पाए जाते थे और बड़े शान से समुद्र की गहराइयों में रहते थे। दरअसल दोस्तों ये एक स्क्विड है जो आज के समय में तो 13 मीटर तक लंबे पाए जाते हैं, पर पहले ये लगभग एक टेलीफोन पोल या आधे क्रिकेट पिच जितने लंबे हुआ करते थे। और चूंकि इनका शरीर इतना बड़ा था इसलिए ये हर वक्त समंदर के गहरे पानी में ही रहते थे। नंबर 3, मीटर लॉन्ग पिरान्हा। दोस्तों पिरान्हा उस किलिंग मशीन मछली का नाम है जो ग्रुप्स में शिकार करती हैं और अपनी सुपर स्पीड और धारीदार नुकीले दांतों की मदद से 1 सेकंड के अंदर अंदर अपने शिकार की चमड़ी, मांस और पसली सब उधेड़ कर रख देती हैं। और अभी तक शुक्र मनाइए कि ये महज 25 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं। पर दोस्तों क्या आपको पता है कि आज से लगभग 60 लाख से 1 करोड़ साल पहले पिरान्हा लगभग 1 मीटर बड़े और 15 किलो तक के हुआ करते थे। और दोस्तों ये कोई काल्पनिक फैक्ट नहीं है और ना ही ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, बल्कि इस बात को तो वैज्ञानिकों ने खुद कंफर्म किया है और वो भी दक्षिण अमेरिका में मिले इनके फॉसिल्स के आधार पर। नंबर 2, जाइंट गुआनास। दोस्तों छिपकली की सबसे बड़ी प्रजाति आज से लगभग 40,000 से 1 लाख साल पहले हमारी धरती पर पाई जाती थी जिन्हें वैज्ञानिकों की भाषा में जाइंट गुआनास कहा जाता है। दोस्तों वैज्ञानिकों को इनके जो फॉसिल्स मिले हैं उसके आधार पर उन्होंने बताया है कि जाइंट गुआनास दिखने में आजकल के कोमोडो ड्रैगन्स की ही तरह लगते थे। बस अंतर इतना था कि उनकी लंबाई 7 मीटर और वजन लगभग 2000 किलोग्राम तक होती थी और तो और ये अपने शिकार को पूरा निगल जाते थे। साथ ही दोस्तों कमोडो ड्रैगन्स की ही तरह इनमें भी जानलेवा जहर पाया जाता था, यानी अगर शिकार किसी तरह इनका भोजन बनने से बच भी जाते थे तो भी इनके जहर से बचना नामुमकिन था। इसलिए ऑस्ट्रेलिया वालों को तो इस बात के लिए ज्यादा खुश होना चाहिए कि आज ये हमारे बीच मौजूद नहीं है। नंबर 1, मेगा क्रॉक किलिंग टीरेक्स। दोस्तों ये बात तो साफ है कि अगर एक मगरमच्छ एक टीरेक्स डायनासोर से उलझने की हिम्मत कर रहा है तो जाहिर है कि वो कोई आम मगरमच्छ तो होगा नहीं। और दोस्तों इसीलिए इस मगरमच्छ का नाम मेगा क्रॉक रखा गया है। आज से लगभग 8 करोड़ साल पहले ये पानी की दुनिया के राजा हुआ करते थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां आज दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ की लंबाई लगभग 4.5 मीटर है, वहीं एक समय ऐसा था जब मगरमच्छ 12 मीटर तक लंबे हुआ करते थे। और दोस्तों ये नदी या झील के किनारे से गुजरने वाले बड़े से बड़े डायनासोर पर भी हमला करने की हिम्मत रखते थे। इसलिए शुक्र मनाइए कि अब इतने बड़े मगरमच्छ नहीं पाए जाते, वरना सोचिए हम इंसानों का क्या होता। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।